हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है देव। मैं आगरा हाईटेक इंस्टीट्यूट से। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे। बात नहीं करूंगा आज, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा काय के बारे में, सिर्फ बोर्नियो के बारे में, कि बोर्नियो क्या से हम किस किस प्रकार से हेल्प ले सकते हैं। अभी तक आप फॉल्ट फाइंडिंग में हेल्प ले रहे थे, ठीक है, तो लेकिन हम इसके अलावा लैपटॉप रिपेयरिंग ये भी उसमें देख सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग में बोर्नियो हमारी क्या क्या एक्स्ट्रा मदद कर सकता है, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। बोर्नियो ने अपडेट कर रखा है, ठीक है, शायद आपको शायद इसकी जानकारी ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि सपोज हमारे फोन में कोई आईसी खराब हो गई, हम क्या करते हैं, मार्केट जाके वो आईसी लेकर आते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उस आईसी, चाहे वो चार्जिंग आईसी हो, चाहे वो पावर आईसी हो, ठीक है, लाइट आईसी हो, कोडेक आईसी हो, नेटवर्क आईसी हो। मैं आज एक छोटी सी जानकारी दूंगा, उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि सपोज आपकी पीएमआई 632 आईसी है, वो अगर आपकी फोन में खराब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो कैसे आप पता करेंगे ये आईसी और कौन से मदरबोर्ड में आपको मिल जाएगी। देखो आप लोग रिपेयरिंग करते हैं फोन्स, डेड मदरबोर्ड्स आप लोगों के पास ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन बारी बारी हर किसी को ढूंढना पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों के मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप में कवर्स में मोबाइल चिने रहते हैं जो डेड होते हैं, आप उनमें से कैसे फाइंड करोगे। बारी बारी सारे फोनों को खोल के तो देखोगे नहीं कि यार मेरे को पीएम 632 चाहिए, अब मुझे पीएम 632 बाजार से मंगाता हूँ या ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, लेकिन हो सकता है ना वो आपके फोनों में हो, तो आप कहोगे यार सर कैसे सारे फोनों को हम लोग खोल के देखेंगे। तो इसी की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपको बोर्नियो ने अपडेट दे रखा है कि सिर्फ आपको आईसी का नंबर डालना है, आपको सिलेक्टेड मॉडल्स मिल जाएंगे कि ये वाली आईसी कौन से फोन में है। चलो मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर आप देखेंगे ये एक ऑप्शन आता है, ये वाला मैं माउस के से हेल्प से दिखाता हूं, ये था मैं दोबारा लगा देता हूं। कंपोनेंट पीसीडी, क्या है ये कंपोनेंट पीसीडी, पार्ट कंपेटिबल डाटाबेस। आपके फोन की कोई भी आईसी खराब हुई है वो दूसरे किस मदरबोर्ड में मिल सकती है वो उसकी जानकारी मिल जाएगी आपको। लेकिन ना जैसे ही सपोज करो बहुत सी आईसी बाजार में मिलती ही नहीं है, लेकिन हमारे पास मदरबोर्ड होते हैं तो हम उन मदरबोर्ड में से कैसे वो आईसी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पर क्लिक, ये देखिए ये आपका कंपोनेंट पीसी का एक डाटाबेस ओपन हो गया है। यहां पर आपके पास कोई भी आईसी, मैं एक आईसी का मॉडल यहां पर लिख देता हूं, लैपटॉप से लिखूंगा, तो मैंने लिखा यहां पर PMI 8952। एक चार्जिंग आईसी है, PMI 8952 एक चार्जिंग आईसी है। तो ये कौन कौन से मॉडल्स में होगी सर्च कर ले, यहां आपको देखिए ये आईसी आपके PMI 8952 और इसका वर्जन दिया हुआ है, ये टाइम काम कर रही है चार्जर। इस तरीके से आपको मॉडल्स के हिसाब से कौन कौन से फोन में मिल जाएगी, वो आपको MI मैक्स में मिल जाएगी, और देखिए PMI 8952 वर्जन 000, ठीक, ये चार्जिंग के लिए काम कर रही है MI A2 लाइट डिवाइस। अब आपके उस MI A2 पुराना डिवाइस पड़ा हुआ उसमें से निकाल लो, लगा लो, काहे को बाजार में जाना पड़ रहा है आपको, जरूरत ही नहीं है आपको बाजार में जाने की। आपके पास और भी मॉडल्स ओपन हो जाएंगे, Redmi 5 Plus बोर्नियो में Redmi 5 Plus है, वैसे वो रियल में MI Note 5 है, कौन सा MI Note 5, यहाँ Redmi 8952 आपको MI मैक्स में मिली। V7 Plus Vivo का V7 Plus यहाँ भी आपको 8952 मिल जाएगी, और मैं और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखिए इतने सारे मॉडल्स हैं, कहीं तो कोई तो एक फोन पड़ा होगा, Redmi 6 Pro तो होगा, आप आईसी ले लीजिए। मैं आपको कोई दूसरा मॉडल ओपन करता हूं, मैंने यहां सर्च किया PMI 632
PMI 632 हमने सर्च करी और देखते हैं ये को आईसी कौन कौन से मॉडल्स में आपकी लगी हुई है। ये देखिए ये Redmi 7A, Redmi 8A, Note 8, Note 9, और देखो मोटरोला के सेट में भी सेम आईसी यूज हो रही है। ये मोटरोला के सभी मॉडल G8 पावर और भी आपके ये G9 प्ले, देखो वीवो भी यूज कर रहा है इस आईसी को, रनिंग आईसी, मतलब आपको ये आईसी बाजार से परचेस नहीं करनी, आपको आप ही के फोनों में मिल जाएगी, जो फोन आपके कवर्ड में रखे हुए सजा के, ठीक है। तो अभी सपोज कोई दूसरी आईसी आ गई, जैसे एक लाइट आईसी होती है AL65, मैं यहां मॉडल डालूंगा, AL65, ये देखिए ये हमारी लाइट आईसी है 6 लैग वाली, और ये हमें कौन कौन से मॉडलों में मिल सकती है, ये देखिए A5 2020, ओप्पो A54, A52, A31, A15, Y50, Y15, Realme 70, Realme C2, C20, आपको बस आईसी का नंबर डालना है, आप जितने मॉडल्स में ये आईसी लगी होगी या सारे मॉडल्स आपके रूटीन से सब आप देख सकते हैं, कोई तो फोन आपके पास होगा, आपको आईसी बाजार से नहीं खरीदनी पड़ेगी, आईसी आपके पास ही है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है। तो वो आईसी आपको कहां मिल गई, आप ही के फोन में मिल गई, जो डेड पड़े हुए हैं, जिनको आप यूज में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये लाइट आईसी है, ये आप इस तरीके से इसे बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर कोई सी भी पावर आईसी है, पावर आईसी का नहीं लेते, देखिए मैं एक पावर आईसी का यह मॉडल डालता हूं, PM660, मैंने सर्च किया PM660, और देखो PM660 किन किन मॉडलों में लगी है आपकी, देखिए यहां दो आईसी है, PM660 और PM660L, 660L, तो ये दो आईसी है। एक इन दो आईसी की खासियत है, जो PM660 होगी वो पावर प्लस चार्जिंग का काम कर रही होगी, और PM660L होगी वो एक सेकेंडरी आईसी होती है, पावर का भी काम करती है, साथ में आपका लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी का भी काम करती है। तो ये आपके सभी मॉडल्स ओपन हो जाएंगे, MI Note 3, MI A2, यहां पर आई आईसी आपको मिल जाएगी, 6.1, देखो नोकिया भी यूज कर रहा है इस आईसी को, PM660 को, ये सारे रूटीन से सब आपके ओपन हो जाएंगे, जो मॉडल आपके पास अवेलेबल हो तुरंत खोलो आईसी को निकालो। ये देख Realme 2 Pro, MI Pad 4, आपको ये आईसी इस तरीके से सर्च कर लेंगी। तो मैं आज थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है, और आप लोग तो मेरी जानते हैं वीडियो को बड़ी कमी कर नहीं करता, ठीक है ना, मैं जानकारी पूरी देता हूँ, शॉर्ट में देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिएगा, और जिन किसी भाई को, जिस किसी टेक्नीशियंस को रिपेयरिंग करने में दिक्कत आ रही है, वो रिपेयरिंग तो कर रहे हैं सालों से, लेकिन वो एक टेक्निकल तरीके से रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, फॉल्ट्स को समझ नहीं पा रहे हैं, EMC CPU तो रिवॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि EMC CPU रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम फास्ट फॉरवर्ड में भी कोर्स करा के देते हैं कम समय में, जिससे कि उनका समय वेस्ट ना हो, क्योंकि वो बच्चे काफी दूर से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, काफी दूर दूर के बच्चे आते हैं, तो हम लोग कम समय में भी उन्हें रिपेयरिंग सिखा देते हैं पूरा अच्छी तरीके से, ज्यादा समय देकर। तो जिसको भी सीखनी हो, स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, इसी नंबर पर आप लोग हमें कॉल करके, फोन पे भी आप डेमो लेना चाहे तो हम आपको फोन पे भी डेमो दे सकते हैं, ऑनलाइन डेमो के लिए अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन डेमो लेना है तो हम आपको ऑनलाइन डेमो भी दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।